नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि जिले के अंदर म्यूचुअल आपको अपने किसी साथी से करवाना है तो किस तरीके से आवेदन करेंगे। उसके लिए आप इंट्रा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर डॉट यूपीएसडीसी डॉट जीओवी डॉट इन को खोलेंगे। खोलने के बाद इसके बाद में यहां पर आप देख लीजिए इंट्रा डिस्ट्रिक्ट म्यूचुअल करके ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ थोड़ा वेबसाइट स्लो है। जैसे ही वेबसाइट सही से होती है तो उसमें देख लीजिए कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा, जहां पर EHRMS कोड और मोबाइल नंबर OTP डाल के आपको जनरेट OTP करना होगा। जैसे ही इस तरीके से आपके सामने OTP सेंट योर मोबाइल नंबर वैलिड फॉर 1 मिनट करके आएगा और आप नीचे OTP डाल लीजिए। 4 अंकों की प्राप्त OTP को आप यहाँ पर फिल करेंगे। फिल करने के बाद में प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड आपके सामने खुल के आ जाएगा, जहां पर नंबर 1 पर रजिस्ट्रेशन वाले पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। इस पर क्लिक कर लीजिए। थोड़ा वेबसाइट स्लो हो गई है, सुबह आप करिएगा काफ़ी अच्छी चलती है, शाम के टाइम करेंगे तो थोड़ा वेबसाइट बिजी रहती है। आप यहाँ जाइए, यहाँ से आप क्लिक करके आगे पहचान पत्र में आपके सामने कुछ इतनी चीज़ें ले रहा है, जिसमें वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक है। आधार इसमें नहीं ले रहा है, इसलिए आधार आप इसमें मत तैयार रखिएगा भरते समय। इसके बाद में फ़ोटो स्कैन 20 KB की और जो सिग्नेचर हो वो भी 20 KB के ऊपर नहीं होने चाहिए। आपका जो डॉक्यूमेंट वो भी मतलब सभी डॉक्यूमेंट आपके 20 KB के ही होने चाहिए। इसके बाद में आप इस वाले चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे। कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड आ जाएगा, जहां पर आपकी पूरी इंफॉर्मेशन आपके पोर्टल से उठा लेगा। यहां पर फोटो युक्त पहचान पत्र प्रकार की संख्या, यहां पर उसका नंबर डालना होगा, क्या इस टाइम क्या कर रहे हैं, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये और यहाँ पर संख्या, यहाँ पर अपलोड करना होगा, यहाँ पर फोटो, यहाँ पर साइन अपलोड करना होगा जो कि 20 KB के नीचे होगा। फिर यहाँ पर कैप्चा डाल के इसको सबमिट करवाना रहेगा।